नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, 20 अप्रैल। हम खड़े हैं इस समय लहसुन की कृषि उपज मंडी में। यहाँ पर लहसुन बेचने के लिए किसान बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। हालांकि आज की अगर बात करें तो लहसुन की जो आवक हुई है बहुत कम देखने को मिली है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और आज के भाव के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। दादा, कौन से गाँव से? डेल जी। क्या कौन सी लहसुन लेते हैं? ये वाले। कौन सी क्वालिटी? ये देख लो ना, कौन सी जात नहीं पहचानता। जात नहीं पहचानता? हाँ। पहली बार करी? हाँ हाँ। क्या सोच के करी थी? क्या भाव अच्छे? देसी लहसुन है। आपने जो लहसुन की खेती करी है, हाँ, क्या सोच के करा था कि भाव अच्छे मिलते हैं? वो तो कम ही बोते हैं साल के। अच्छा, घर पुरते ही बोते हैं, थोड़े बहुत बेच दे सकते हैं। आप कौन से गाँव? सीतारदेव गाँव से। लहसुन की खेती कब से कर रहे हो? 5 साल हो गया। अच्छा भाव मिल रहे? अच्छे भाव, अच्छे भाव इस बार ज़्यादा है। क्या कारण? अब कहीं पता क्या कई कारण है। अच्छी हुई, अच्छी हुई, अच्छी हुई। पैदावार कैसी हुई? पैदावार भी अच्छी हुई, हाँ, बढ़िया हुई। अभी क्या छटा हुआ माल लाए हो? छटा हुआ माल लाए? हाँ हाँ हाँ, रखी। हाँ, भाव बढ़ेगा। 50 तक नो घर बता दी रहा है। हाँ, 50 बिकेगा फिर बेचोगे? फिर बेचेंगे। कौन से गाँव से? छितरदेव गाँव, छितरदेव। या है कई बोले इन्हें तुलसी, तुलसी। हाँ, अधिकतर तुलसी ज़्यादा बोलते हैं। है। तो देखें, हम आपको बता देते हैं कि ये जो लहसुन है, फिलहाल ये क्वालिटी की लहसुन मंडी में आ रही है। इसको हम छटा हुआ माल भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका भी भाव अच्छा मिल रहा है। मंडी में छटा हुआ माल लहसुन इसलिए किसान लेके आ रहे हैं क्योंकि फिलहाल की स्थिति में किसानों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में 50,000 तक लहसुन का भाव जाएगा। हम और भी किसान हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। आप भी किसान? कौन से गांव से? नई खेड़ी रेलवे स्टेशन। आपने लहसुन बेची अभी कि नहीं बेची? हाँ, पहली बार ही आए हैं। क्या स्थिति है? दो कट्टे थे जो छाटन छुटन के जो निकले थे वही लाए हैं अभी। तो वही अभी बेच रहे हैं? वही बेच रहे हैं। कारण है कि इस समय छाटन की ज़्यादा लोग? अरे तो अभी कभी भाव बढ़ने की उम्मीद है ना, इसलिए थोड़ा ये 30-35 समथिंग होने का अनुमान लगता है। 30-35 तक चला जाएगा? हाँ, पिछले साल भी हुआ था ना, तो इसलिए उम्मीद रखते हैं। ये 2-3 महीने के बाद लगेगा। पिछले साल की इस और इस बार की आवक में कितना अंतर है? कुछ आवक तो कम है अभी मंडी में, पिछले साल की अपेक्षा कम है थोड़ा। उपज कैसी हुई है? उपज कम हुई है थोड़ी इस बार, कारण मौसम की वजह से थोड़ी उपज का प्रभाव पड़ा है। मौसम का प्रभाव उपज पे भी पड़ा है, यही कारण है कि मंडी में लहसुन की आवक भी कम हुई है। कम हुई है। हम और भी किसान हैं, हम उनसे भी जानते हैं। अच्छी लहसुन भी लेकर मंडी में पहुँच रहे हैं, कुछ खराब लहसुन भी लेकर पहुँच रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सोना चिप्स माल है लहसुन का। ये देखो, कौन सी क्वालिटी है? ये तुलसी। कौन से गांव से? गांव मतांगना, राजेश चौधरी। इसके पहले भी आपने बेची लहसुन? हाँ, 16-17 के भाव। 16-17 भाव? जी हाँ। संतुष्ट है उससे? संतुष्ट तो क्या, अभी कम से कम 25,000 जाना चाहिए। 25,000 का भाव मिलना चाहिए? जी हाँ। आज क्या उम्मीद है, क्या मिलेगा? आज देखो, अभी थोड़ी देर बाद लीलाम होने वाली है, अब क्या हो सकता है। उम्मीद क्या है आप? उम्मीद तो हमारी 20 तक की है। 20 तक है। अभी किसान रोकते भी है इस समय? नहीं तो काफ़ी किसान के पास स्टॉक रखा हुआ है अभी, और अभी शादी ब्याह के कारण कुछ लोग आ भी नहीं पा रहे हैं। दिरे दिरे दिरे। हाँ, तो जिसको ज़रूरत लग रही वो आते जा रहे हैं। जिसको ज़रूरत लगती, तो आपने देखा जिसको ज़रूरत लगती है वो आते जाते हैं। हम आपको क्वालिटी के साथ में ये इस तरह का माल, जो कली इसको बोलते हैं, कली का माल अधिकतर मंडी में ज़्यादा बिकने के लिए आ रहा है। लहसुन की अच्छी क्वालिटी का माल किसानों ने फिलहाल रोक रखा है, उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छे भाव लहसुन के मिलने वाले। हम कुछ व्यापारी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। अरे 2 घंटे पर्ची है, आज क्या हुआ कि 3,3500 कट्टे की शुरुआती दौर
4,000-5,000 रुपए नॉर्मल। और हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट गया 17,000 रुपए। क्वालिटी कैसी आ रही है? के क्वालिटी हल्की है, ज़्यादा अच्छा माल कम है। अच्छा माल नहीं आ रहा है मंडी। कल कल क्या स्थिति रहेगी मंडी? कल तो छुट्टी है, बंद है। कल छुट्टी की स्थिति है। ये नाम तो ये थे हमारे साथ अंकित, जो यहाँ पर मंडी में बोली लगाते हैं। उनके अनुसार कल मंडी में छुट्टी रहेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल की स्थिति में मंडी में आवक जो है वो कम देखी जा रही है। लगातार हमारे साथ मंडी के भाव जानने के लिए बने रहें। मार्केट टाइम्स टीवी के लिए उज्जैन से गगन सिंह की रिपोर्ट।